शिवपाल यादव जसवंत नगर की गलियों में घूम रहे हैं, चुनाव का आखिरी क्षण चल रहा है। शिवपाल जी, आप छोटे मंत्री जी के नाम से जसवंत नगर में प्रसिद्ध हैं, बड़े मंत्री जी यानी मुलायम सिंह यादव जी तो ये जसवंत नगर कस्बे में गली गली प्रचार कर रहे हैं, आखिरी क्षण है। देखिए, मैं आखिरी दिन है और अभी मैं बिना बताए आ गया और जब यहाँ तो देख लीजिए जनता निकल पड़ी है और इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है। साइकिल का ये सब बटन दबाएंगे और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत ये कराएंगे। अब तो जनता निकल पड़ी है हमारे चुनाव में। एक होड़ चल रही है कि करहल में बड़ी जीत या जसवंत नगर में, अब देखिए दोनों में कंपटीशन है। मैंने तो करहल में कहा था, करहल वाले आपकी बार अखिलेश की सबसे बड़ी जीत कराना, लेकिन जसवंत नगर की जनता कहती है कि हमारा सबसे बड़ी जीत कराएंगे जसवंत नगर से। छोटे मंत्री जी की अच्छा, आप छोटे मंत्री जी के नाम पे प्रसिद्ध हैं आप? जी हाँ, नेताजी को बड़े मंत्री बोलते हैं, हमको छोटे मंत्री कहते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं सैफई के आसपास इटावा के, वो ये नहीं बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी या नेताजी, वो बड़े मंत्री और छोटे मंत्री। हाँ, यही बोलते हैं, नेताजी को बड़े मंत्री जी और हमको छोटे मंत्री। तो छोटे मंत्री जी की जीत जो है इस बार और सबसे बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत और विश्वास भी है। देखिए लगातार वो जसवंत नगर जो उनका घर है, जो उनका कस्बा है, जो लोग उनको प्यार करते हैं चचा के नाम से, और ये आप पूरे जसवंत नगर के चचा हैं। अब सभी लोग बोलने लगे हैं छोटे बड़े सब, लेकिन पूरी यूपी के चचा है, पूरी यूपी के चचा है, सब लोगों के चाचा हैं भैया, सब चाचा हैं। तो ये जो आप ये बताइए, कल जो रैली हुई यहाँ पे आप लोगों की, पूरा परिवार एक था, रथ में आप सवार थे, तो काफी भीड़ थी? काफी भीड़ थी, जब हम तीनों लोग इकट्ठे थे तो पूरा शहर उमड़ पड़ा था, तो इतनी बड़ी भीड़ मैंने तो कभी देखी नहीं थी सड़कों पर। और हम लोग 6 बजे से शुरू हुए थे और 10:30 बजे तक ऐसी भीड़ चलती रही। अच्छा, तो ये जो भीड़ है उसकी बहाव में एसपी सिंह बघेल कहाँ रहेंगे? कहीं नहीं टिकेंगे, दिखेंगे नहीं, उनकी जमानत जब्त होगी। और जसवंत नगर में? जसवंत नगर में भी जमानत जब्त होगी। अच्छा, तो नेताजी भी आ गए थे? हाँ, नेताजी भी थे और आप जब आप उनके एकदम साथ बैठे हुए चल रहे थे, तो आशीर्वाद पूरी तरीके से है? पूरी तरीके से, नेताजी हम को हमने हमेशा पिता के स्वरूप में माना है और उन्होंने बेटे की तरह हमेशा माना है और हमेशा आशीर्वाद रहा है, रहेगा, और हम नेताजी के साथ रहे हैं और उनके साथ लगातार हैं। तो उनके आशीर्वाद से चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनका आशीर्वाद कल मिला भी? हाँ, मिला भी और उनके आशीर्वाद से मैंने लिया ही था चुनाव, जब प्रत्याशी बने थे तो उनका पहले भी आशीर्वाद लिया था, कल भी दिया आशीर्वाद। तो इस चरण में समाजवादी पार्टी का क्या होगा रिजल्ट? देखिए, पूरा एक तरफा इटावा में सभी सीटें जीतेंगे, मैनपुरी में सभी जीतेंगे, फिरोजाबाद में जीतेंगे, एटा में जीतेंगे, कन्नौज में जीतेंगे और जीतते ही चले जाएंगे। अच्छा, अभी धर्मेंद्र यादव जी के पिताजी और आपके बड़े भाई अभयराम यादव जी कह रहे हैं कि भतीजा भी लड़ रहा है और भाई भी लड़ रहा है, और किसकी जीत बड़ी होगी ये मैं नहीं कह सकता, अब ये जनता के ऊपर छोड़ दिया, अब जनता ही करेगी इसका तो, जनता है। अब इसका तो 10 तारीख को पता चलेगा, 20 तारीख को सब साइकिल का बटन दबाएंगे और इसका निर्णय 10 मार्च को आएगा। और ये योगी जी आ रहे हैं इलाके में सब जगह? अब योगी जी आएंगे, आ रहे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? अब सपा, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी का परचम फैलेगा, परचम फैलेगा। आप देखिए शिवपाल यादव गलियों में घूम रहे हैं, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये वो कस्बा है जिसमें गली गली घूमा है शिवपाल यादव ने और यहाँ पर चुनाव लड़े हैं मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह जी की ये पैतृक सीट है और लगातार वो लड़ते रहे। नेताजी यहाँ से 7 बार विधायक हुए और हम भी 5 बार लगातार जीत चुके हैं, 6वीं बार लड़ रहे हैं। आप जी, आप भी जीतेंगे लगता है वैसे ही, और रिकॉर्ड वैसे ही उन्हीं का तोड़ेंगे अपने भाई का।
सबसे बड़ी जीत हमारी होगी उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में, ये दावा है शिवपाल यादव का। कैमरामैन हरिओम के साथ जसवंत नगर से वीरेश पांडे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।